अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। लास्ट क्लास बच्चों हम लोगों ने कहाँ तक किया था एसिड बेस एंड सॉल्ट में? मैम इंडिकेटर्स हो गए थे सारे, और एसिड के बारे में आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी और बेस की। ओके गुड। सो इन शॉर्ट मैंने एसिड और बेस की इंफॉर्मेशन दे दी थी यस और मैम, इंडिकेटर्स बता दिया था, पीएच भी बता दिया था। यस ओके मैम, तो पीएच स्केल के हाँ आपने क्वेश्चन कराए थे। ओके गुड बच्चा। चलिए तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आगे का टॉपिक, यानी आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। यस मैम। एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज की जब हमारे पास बात आती है बेटा, तो हमें नजर आता है कि एसिड आपकी कुछ रिएक्शंस देता है, ऐसे ही बेस कुछ रिएक्शंस देगा। सो इन शॉर्ट हमें उन रिएक्शंस पे बेस, उनकी कंडीशन पे बेस अब हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन गेन करेंगे। सो तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ आपके साथ। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। हम लोगों ने देखा था, एक सेकंड बच्चों होल्ड कर लेते हैं जब तक और बच्चे भी आ जाए ना, क्योंकि मुझे लग रहा है यस शायद हाँ 3 ही बच्चे आए ना, बस 2 मिनट वेट कर लेते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट कर रही हूँ मैं। स्क्रीन दिख रही है बच्चों आपको? यस मैम। चलिए आज हम लोगों के पास जो टॉपिक है वो है आपका प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज वी आर गोइंग टू डिस्कस किससे रिलेटेड? एसिड एंड बेस से रिलेटेड। सो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज आपके पास आती हैं, वहां पर प्रॉपर्टीज दो टाइप का नेचर शो करती हैं। वन इज फिजिकल प्रॉपर्टी, वन इज केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल नेचर ऑफ एसिड वी कैन चेक द फ्यू पॉइंट्स, लाइक वो हमने पहले भी डिस्कस किया था, ऑलमोस्ट ऑल एसिड्स आर सार इन टेस्ट। द सेकेंड पॉइंट वी कैन से एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। साथ ही साथ और क्या पॉइंट हमारे पास आता है? मोस्ट ऑफ द एसिड आर कोरोसिव इन नेचर। फिर आप बोल सकते हो एसिड इन वॉटर सी। हमारे पास इंफॉर्मेशन आई फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड की, कि एसिड सार इन टेस्ट होते हैं, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, एसिड कोरोसिव इन नेचर के होते हैं, एज वेल एज एसिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डन। सी
ऐसे ही हम इसके अंदर ले सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, किसके रिस्पेक्टफुली, बेस के रिस्पेक्टफुली भी हम दे सकते हैं। तो बेटा अगर हम बेस की बात करेंगे तो क्या आप इसमें इंफॉर्मेशन गेन कर पाएंगे कि फिजिकल नेचर क्या होगा? तो अगर वो सार इन टेस्ट है तो आपके पास बेस क्या होगा? ऑलमोस्ट बेसिस आर bitterest, say yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. See, if it is bitter in taste, egg property, so base can turn बच्चे लेट जो ज्वाइन करते हैं ना उसमें प्रॉब्लम करती है फिर। Bases are your bases turn red litmus to blue. Yes. और क्या information देते हैं? Bases are soapy in touch. मतलब हल्के से slippery होते हैं. Clear? Yes, ma'am. Like acids, the solution of base and water also conduct electricity. So the point is, agar aapke paas water solution nahi hoga, तो आपका जो बेस है या वो एसिड है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं पाएगा. इज दैट क्लियर? यस मैम. चलिए, सो फिजिकल प्रॉपर्टी हमने दोनों की इंफॉर्मेशन गेन कर ली, तो आपके पास आता है नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टी. तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम वापस से पहले एसिड के लिए डिस्कस करेंगे, देन बेस के लिए. तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड नंबर वन आपके पास आता है, क्या करता है ये? एसिड कैन रिएक्ट विद, तो आपके पास आता है रिएक्शंस विद मेटल्स. बेटा सेम टर्म जो अभी मैं आपको इसमें पढ़ा रही हूँ, नेक्स्ट चैप्टर आपके पास है मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें भी ये कॉमन रिएक्शंस है, वहां पर भी हम ये पढ़ेंगे. तो सी दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है. तो क्या करता है? मेटल्स रिएक्ट करेगा जब एसिड के साथ, तो इट जनरली प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, एंड द नेचर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूसिंग कंपाउंड एंड स्लाइटली एक्सप्लोसिव होता है. स्लाइटली एक्सप्लोसिव का मतलब है जब आप टेस्ट ट्यूब के पास मैच स्टिक ले जाओगे, बर्न मैच स्टिक, तो वहां पर पॉप साउंड भी हल्की से ही एक्सप्लोसिव यानी चिंगारी भी दिखाई देती है, तो वो बेसिकली इसका एक्सप्लोसिव नेचर दिखाता है. सो हम एग्जांपल देखते हैं, फिर कुछ इंफॉर्मेशन भी है, एंड टू एंड हम देखेंगे. जिंक वॉज सॉलिड इन नेचर, नाउ आई एम पुटिंग द जिंक इन H2SO4 विच इज एक्वस इन स्टेट. When it these combine together, it will produce ZnSO4. Yeah, addition may you can say hydrogen gas. This is known as zinc sulfate. सिमिलरली आप जिंक की जगह सोडियम भी ले सकते थे, एसिड में H2SO4 की जगह HCl भी ले सकते थे. सी द आंसर इज बिकम NaCl एंड हाइड्रोजन. नाउ द क्वेश्चन अराइज विच मेटल आर नॉट एबल टू लिबरेट hydrogen
एसिड. सो योर आंसर इज कॉपर, मर्करी, सिल्वर कैन नॉट लिबरेट या डिसोसिएट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड. सो क्वेश्चन अगेन, अगर ये हाइड्रोजन लिबरेट नहीं कर सकते तो इन शॉर्ट ये क्या कर सकते, क्या रिएक्शन भी नहीं देते. सो द रिएक्शंस आर कॉपर कैन रिएक्ट विद H2SO4. फर्स्ट वी हैव टू चेक इट शुड बी कंसंट्रेटेड. बच्चा कंसंट्रेटेड वाली बात पे हम डिस्कस कर चुके हैं ना, डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन पे. यस. सो कंसंट्रेटेड वो एसिड होता है जो बहुत ही स्ट्रांग होता है. तो कॉपर को जब आप सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेटेड स्टेट पे डालोगे तो ये हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा, मगर आंसर नहीं देगा ऐसा नहीं है. इट विल फॉर्म कॉपर सल्फेट एज वेल एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड वॉटर. यू कैन चेक दिस कि कॉपर इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, बट बीइंग अ लेस रिएक्टिव इन नेचर इट कैन रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड प्रोड्यूस सॉल्ट, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वॉटर. इज दैट क्लियर? यस मैम. नाउ अगेन वन मोर. ओनली मैग्नीशियम एंड मैग्नीज कैन लिबरेट हाइड्रोजन गैस विद नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड मीन्स HNO3. सो विच एलिमेंट कैन लिबरेट हाइड्रोजन विद HNO3? दैट इज मैग्नीशियम एंड मैग्नीज ओनली. सो मैग्नीशियम कैन रिएक्ट विद HNO3. Is going to produce MgNO3 whole twice and hydrogen. Similarly, manganese with HNO3 is going to form MnNO3 whole twice with hydrogen. बच्चों visible है, सबको समझ में आया ये दोनों topic? Yes, ma'am. See, अभी हमने सिर्फ पहली reaction देखी है. एसिड विद मेटल, तो हमारे पास दो टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस नजर आए. चलिए मैं पेज टर्न कर लूं. नाउ द सेकंड रिएक्शन बेस्ड ऑन मेटल, तो आप क्या आता है, सॉरी मेटल बोल रही हूं, सेकंड रिएक्शन बेस्ड ऑन एसिड. सो रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड विद मेटल बाइकार्बोनेट. बाइकार्बोनेट इज ऑल्सो नोन एज मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. सो जरा देखें इनकी रिएक्शन. सो मेटल विद कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, आई एम टेकिंग मेटल बोल सॉरी एसिड विद मेटल कार्बोनेट इज लाइक Na2CO3. आई कैन टेक, तो इट गोइंग टू फॉर्म सॉल्ट, वॉटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. दिस नेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के काम आती है ये CO2 जो एसिड के साथ निकली. तो जरा देखिए एग्जाम्पल, H2SO4 एंड सोडियम कार्बोनेट, व्हाट इज दिस गोइंग टू फॉर्म? Na2SO4 प्लस वॉटर प्लस CO2. इवन एक एग्जाम्पल जो क्वेश्चन आपके पास पूछा जा चुका है, HCl कंबाइन विद एसिड फॉर्म
salt, water, and a gas. Which, yani gas, which is used to convert lime water to milky. Identify Excel formula basically and guess. तो बेटा एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज कैल्शियम कार्बोनेट. यस, इसी को एक्सेल भी कहते हैं, इसी को लाइम स्टोन भी कहते हैं और इसी को मार्बल भी कहते हैं. तो इनमें से कोई भी नाम वो बोल दे आपको आना चाहिए. द फॉर्मूला ऑफ दीज सब्सटेंसेस इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. इसको आप एसिड, एसिड आई कैन टेक एनी वन, सो आई एम टेकिंग HCl. इट इज गोइंग टू फॉर्म सॉल्ट, दैट इज CaCl2, एज वेल एज वॉटर एंड अ गैस. डेफिनेटली इट शुड बी कार्बन डाइऑक्साइड, बट वट आई मेंशन ओवर देयर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इट टर्न्स लाइम वॉटर टू मिल्की. तो कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वॉटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट्स गोइंग टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट. बट आप बोलोगे मैम हाइड्रोजन टेकिंग विद एक्वस कंडीशन, तो ये क्या बन जाता है? दिस इज एक्वस स्टेट में सॉल्यूशन रहता है, दिस इज मिल्की. सो क्लियर और नो? बच्चों क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस. चलिए इसी में मैं एक और रिएक्शन देख सकते हैं, या चलो नेक्स्ट पेज पे दिखाती हूँ इधर की तरफ. एसिड के साथ हम मेटल बाइकार्बोनेट ले अगर, तो क्या बनेगा? सॉल्ट, वाटर एंड अगेन CO2. सो सेम ही रिएक्शन है, बस फॉर्मूला डिफर हो जाएगा. सो HCl के साथ आपने लिया NaHCO3, दैट इज बाइकार्बोनेट. इट इज गोइंग टू फॉर्म अगेन NaCl, वाटर एंड CO2. सी सेम रिएक्शन है बेटा. इसके लिए ये वर्ड भी यूज किया जाता है, ब्रिस्क एफरवेसेंस. किसके लिए बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए. कार्बन डाइऑक्साइड जो लिबरेट होती है वो किस फॉर्म में होती है? ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ. चलिए द थर्ड रिएक्शन फॉर एसिड इज रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड is going to combine with acid and used to prepare salt and water. So whenever the salt and water is going to form, kisi ki bhi madad se salt or water banta hai, so reaction is known as neutralization reaction. Is that clear? Due to formation of salt and water, either वो किसके साथ जा रहा है? Either with acid and base, either with acid and metal oxide. The answer should be neutralization reaction. See, we can check the answer. Example, sodium oxide, I am taking with HCl. What it is going to form? NaCl and water. H2. Is that clear? Yes, ma'am. Fourth reaction. रिएक्शन विद वॉटर. तो एसिड वॉटर के साथ क्या काम करता है? एक्वस स्टेट में आयंस फॉर्म करता है. तो एसिड विद वॉटर इट फॉर्म्स आयंस. लाइक आई एम टेकिंग HCl
with H2O. So what it is going to form? It will form H3O positive plus Cl. क्योंकि पानी के साथ लिया है तो एक्वस तो रहेंगे ही. क्लियर है बच्चों? यस मैम. चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं. फोर रिएक्शन हम देख चुके हैं. फिफ्थ रिएक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं. तो फिफ्थ रिएक्शन क्या कहता है? रिएक्शन विद बेस. तो ये तो हमने पीछे पढ़ी ही है फर्स्ट चैप्टर में. एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर, इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. सो रिएक्शन इज, ये तो क्लियरली रिएक्शन है जो हमने पीछे नाम दिया. रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन पीछे वाली को तो हमने अज्यूम किया कि वो भी न्यूट्रलाइजेशन है. ये तो ऑथेंटिकली न्यूट्रलाइजेशन है. सो देखिए यहाँ पर मैं आप जो आपको कुछ बताने जा रही हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है. इस पे इस टॉपिक पे बेस क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बच्चा. एसिड, एज यू नो दैट एसिड ऑफ टू टाइप्स ना बच्चा. एक था स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वन इज अ वीक एसिड. तो स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच जो है वो होगा 0 से 4 तक और वीक एसिड का पीएच होगा 5 से लेकर 7 के बीच में. ऐसे ही आपके पास बेस भी बच्चा मैंने दो बताए थे. वन इज इन स्ट्रॉन्ग कंडीशन यानी स्ट्रॉन्ग बेस एंड वन इज वीक बेस. तो स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच होगा 12 to 14. इसका होगा 7 to 11. क्लियर है? अब इसको डिफरेंशिएट करके, इसको डिफरेंशिएट करके हमें बेनिफिट क्या होने वाला है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड, जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जाएंगे तो वो जो सॉल्ट बनाएंगे और पानी निकलेगा वो सॉल्ट आपका होगा न्यूट्रल और उसका पीएच होगा 7. सो आई कैन पुट द एग्जांपल्स. HCl के साथ NaOH मैंने लिया सो द आंसर विल बी NaCl एंड वाटर. अब मैं यहां पर फॉर्मेशन लिखती हूं. सॉल्ट मेड बाय क्लोरीन या क्लोराइड, सल्फेट या नाइट्रेट विद द हेल्प ऑफ सोडियम और पोटेशियम. मतलब इन पांचों के कॉम्बिनेशन से जितने भी सॉल्ट बनेंगे, पांचों के कॉम्बिनेशन से जितने भी सॉल्ट बनेंगे उन सब सॉल्ट का पीएच होगा 7. मतलब वो सारे सॉल्ट क्या होंगे? न्यूट्रल. सो एग्जांपल कैन बी NaCl आई पुट, Na2SO4, NaNO3, KCl, K2SO4, KNO3. क्लियर हो रही है बात? The salts are made by any of these ion, it will become the neutral salt and the pH for neutral salt is always 7. क्लियर है बच्चा? हेलो. यस मैम. यस मैम.
अब सेकंड पॉइंट आता है, एसिड तो स्ट्रॉन्ग है मगर बेस हो गया वीक, अब बनेगा सॉल्ट एंड वॉटर वन मोर टाइम. सो द सॉल्ट इज मेड बाय, द सॉल्ट इज मेड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस बिकम बेसिक सॉल्ट एंड द सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड द सॉल्ट इज एसिडिक सॉल्ट. रीजन बच्चा जो स्ट्रॉन्ग है वो ही नेचर जाना जाएगा. क्लियर हो रहा है पॉइंट? यस. एसिड और बेस से तो सॉल्ट बनेगा मगर क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है इसलिए ये एसिडिक सॉल्ट एंड द पीएच विल बी लेस देन 7. सो एग्जांपल देखते हैं. HCl के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड आई एम टेकिंग, तो आंसर आया अमोनियम क्लोराइड एंड द वॉटर इज देयर, तो इसका पीएच होगा लेस देन 7. क्लियर हो रही है बच्चों? यस मैम. सो यहां पर बोल सकती हूँ जैसा मैंने यहां स्टेटमेंट दी, सॉल्ट मेड बाय अगेन क्लोराइड सल्फेट एंड एनओ थ्री आयन विद कैल्शियम एल्यूमिनियम जिंक अमोनियम एंड आपका क्या रहेगा आयरन एंड सो ऑन. मतलब क्या नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम, इन दोनों को छोड़ के मेटल कोई भी हो तो उसका पीएच क्या होगा लेस देन 7. इज दैट क्लियर? यस मैम. चलिए अब जरा देखें हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलने वाली है. तो हमने दो इंफॉर्मेशन तो गेन कर ही ली बच्चा. तो अब आपके पास जो आती है वो थर्ड इंफॉर्मेशन है. विजिबल है? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिएगा कि दिखाई दे रहा है कि नहीं. दिख रहा है बच्चों? यस मैम. अब हम ले रहे हैं बेटा वीक एसिड. वीक एसिड के साथ हम लोग लेने जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस. तो अब जो सॉल्ट बनेगा डेफिनेटली वो कौन होगा? बेसिक एंड द वॉटर इज देयर. इसका पीएच होगा ग्रेटर देन 7. सो एग्जाम्पल CH3COOH, इसका नाम है इथेनोइक एसिड विद NH. क्या बनेगा? CH3COONA. सोडियम एसीटेट एंड साथ में निकलेगा डेफिनेटली वॉटर. तो इसका पीएच होगा ग्रेटर देन 7 क्योंकि ये बेसिक है. तो यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा बेटा. आप दिख रहा है? यस मैम. ओके. हाँ इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ बेटा. मैंने ना एक्चुअली यूजुअली मैं हाथ में पकड़ के करती थी बट मैंने फोन को स्टैंड में लगाया तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कितना दिख रहा है, तभी मैं बार बार आप लोगों से पूछ रही हूँ विजिबल है कि नहीं. ओके मैम. हाँ तो मुझे प्लीज बताइए क्योंकि नहीं दिखेगा तो फिर मैं कैसे आपको समझा पाऊंगी. आप दिख रहा है बच्चों? यस मैम. वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस इट विल गोइंग टू फॉर्म बेसिक सॉल्ट एंड वॉटर एंड आई मेंशन स्ट्रॉन्ग बेस तो क्या होगा NaOH या KOH. वीक एसिड कोई भी हो सकता है तो उसका जो पीएच आएगा वो ग्रेटर देन 7. तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ अब सॉल्ट अब जो बनेंगे ना बेटा इसमें हमारा फोकस हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम आयन से. किसके साथ? विद CH3COO नेगेटिव
या फिर CO3-2 या फिर HCOO नेगेटिव। देख पा रहे हैं भाई कैटायन इधर है, एनायन लेने हैं हमें। तो जनरली दीज थ्री आपके पास सो उसमें है नेचर में, या फिर HCO3- ये भी हो सकता है। तो इनके कॉम्बिनेशन से बनने वाले एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं देखिए, CH3COONA मैंने अभी लिखा, CH3COOK भी हो सकता है, Na2CO3 हो सकता है, NaHCO3 का नथिंग, या HCOONA हो सकता है, K2CO3 हो सकता है, या KHCO3। देख पा रहे हैं इन सब का पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7। सही है सर? नो यस मैम। लास्ट इज वीक एसिड के साथ वीक बेस आई एम गोइंग टू टेक। तो यहां से सॉल्ट बनेगा और पानी, इस सॉल्ट का पीएच नॉट मोर, या यू लिख दो सीधा पीएच इन बिटवीन 5 to 11। देख पा रहे हो ना, तो बहुत कम है ना बहुत ज्यादा। क्लियर हो रहा है बात? यस मैम। तो एग्जांपल्स कौन से होंगे, सॉल्ट मेड बाय किसी से भी बने भाई, मेड बाय एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम के, एंड क्लोराइड सल्फेट और नाइट्रेट। इनको छोड़ के, इनको छोड़ दीजिए, बाकी जो भी सॉल्ट है आपके वो सारे यही वाला आंसर देंगे। तो एग्जांपल दिखाती हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट, समझ पा रहे? यस मैम। अमोनियम कार्बोनेट या CH3COO होल ट्वाइस कैल्शियम, भाई सोडियम और पोटेशियम नहीं लेने, क्लोरीन सल्फेट और नाइट्रेट नहीं लेने, बाकी जो बचे वो तो हम लेंगे ही। क्लियर हो रही है बात? सो दिस इज द टॉपिक विच इज बेस्ड ऑन एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि एसिड और बेस कॉन्सेप्ट पे बेस थ्योरी थोड़ी सी बड़ी है। क्लियर है बेटा? यस मैम। जी यही बात आपके सामने आती है बेस के लिए भी। अब जरा बेस के ऊपर होने वाली रिएक्शंस को देखें, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको ये थोड़ा सा लिटिल बिट आइडिया है कि जो चीज हमने एसिड के लिए पढ़ी वही कहीं ना कहीं हम लोगों को बेस के लिए भी तो सुननी है। अभी सारी तो नहीं मगर कुछ तो सुननी ही है। तो जिसमें से सबसे पहले आपके पास आएगा, हम बात करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर बेस। तो क्या आंसर दे रहा है? नंबर वन रिएक्शन विद, ये नंबर वन मैं इसलिए दे रही हूं क्योंकि अभी सीखा हमने रिएक्शन विद एसिड, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना लिख दूं एसिड एंड बेस रिएक्ट विद फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर है बेटा? क्या आप मुझे इसके बीच में रिएक्शन बतानी चाहिए? नो मैम। सेकंड पढ़नी पड़ेगी, तो रिएक्शन बेस की विद मेटल्स। तो जनरली मेटल्स नॉट रिएक्ट विद बेस एक्सेप्ट जिंक और एल्यूमिनियम। ये दो मेटल हैं
जो बेस के साथ रिएक्शन देते हैं. सो जरा देखें, जिंक इज गोइंग टू रिएक्ट विद NaOH, फॉर्म Na2ZnO2 एंड हाइड्रोजन. द नेम ऑफ दिस सॉल्ट इज नोन एज सोडियम जिंकेट. ऐसे ही एल्यूमिनियम इज रिएक्ट विद NaOH, इल फॉर्म NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन. सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सोडियम एल्यूमिनेट. इज दैट क्लियर बच्चों? यस मैम. थर्ड रिएक्शन आती है, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड. ओनली जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैन रिएक्ट विद बेस. क्यों? Due to amphoteric nature. अभी amphoteric का मतलब क्या होता है? Amphoteric substance means show both nature. Acid एंड बेस. जो एसिड और बेस दोनों नेचर शो कर सकता है उस सब्सटेंस को बच्चा हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक. तो जरा देखिए रिएक्शन, जिंक ऑक्साइड विद NaOH, Na2ZnO2 वापस से बना मगर अब की बार पानी. ऐसे ही Al2O3 विद NaOH, NaAlO2 with water. The reaction is again neutralization. Is that clear? Fourth reaction हम non-metal के साथ देखें तो हमारे पास आता है reaction with नॉन मेटल ऑक्साइड. नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर इट कैन इजिली रिएक्ट विद बेस. CO2 with NaOH will form Na2CO3 plus H2O. तो ये बेस है अगर, तो मैंने पहले ही बोला मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक. तो ये रिएक्शन भी क्या हो गई बेटा? न्यूट्रलाइजेशन हुई. यस मैम. क्लियर? यस मैम. गुड. फिफ्थ आती है, रिएक्शन विद हैवी मेटल सॉल्ट. क्या बनता है? NaOH के साथ हैवी मेटल हो गया जिंक सल्फेट. फिर यहां रिएक्शन होगी डबल डिस्प्लेसमेंट. जिंक चला गया OH के पास और ये बन गया वाइट PPT प्रेसिपिटेट, और सोडियम चला गया सल्फेट के पास. एंड लास्ट फॉर बेस की रिएक्शन, रिएक्शन विद वाटर.
NaOH था, आपने पानी डाल दिया, तो आंसर क्या आ गया बेटा आपके पास? Na plus aqueous and OH minus aqueous. बच्चों समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आते हैं बेटा एसिड और बेस की जब रिएक्शन सुन ली तो क्यों ना हम उनके सुन लें यूजेस, यूजेस ऑफ एसिड. बस चैप्टर में अब क्या रह गया है, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड और चैप्टर खत्म हो जाएगा. यूजेस ऑफ एसिड एंड बेस, तो एसिड के क्या क्या यूजेस हैं जरा देखें. तो आपके पास एसिड है सबसे पहले H2SO4. द नेम ऑफ H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड. तो सल्फ्यूरिक एसिड आपको कहाँ कहाँ मदद देता है? यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, यूरिया वगैरह इसी से बनता है, जो खाद वाद हम बोलते हैं आप लोगों ने कभी सुना हो फार्मर्स को चाहिए होता है. पेंट्स बनते हैं, ड्रग्स भी बनते हैं, डाइज भी बनते हैं, फिर आता है आपके पास HNO3, नाइट्रिक एसिड इसे कहते हैं. यूज होता है एक्सप्लोसिव सब्सटेंस बनाने में. कौन सा? जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा TNT, सिर्फ सिंबल सुना होगा, नाम है ट्राइनाइट्रोटोलुइन. बेटा बम बम बनाने में इसका यूज होता है. डाइज, प्लास्टिक्स में यूज किया जाता है. फिर आता है आपके पास HCl, इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. यूज होता है टेक्सटाइल, लेदर एंड डाई इंडस्ट्री में. क्लियर है बच्चों? फिर आता है बेटा यूजेस ऑफ बेस. इसी तरीके से बेस के भी कुछ यूजेस हैं. तो यूजेस ऑफ बेस में आपके पास क्या आता है? सबसे पहला है KOH, जिसे मैंने लिखा है कास्टिक पोटैश के नाम से भी ये जाना जाता है. कहाँ यूज होता है? यूज टू इवन कास्टिक पोटैश और NaOH दोनों ले लेती हूँ, इसको कहते हैं कास्टिक सोडा. यूज टू मेक सोप्स, बैटरीज वगैरह. नेक्स्ट आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यूज टू प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर. जब हम पढ़ेंगे ना कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड तो वहां पर हम लोग सुनेंगे. अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यूज टू रिमूव ग्रीस स्ट्रेन फ्रॉम क्लोथ. कपड़ों में ग्रीस के दाग लग जाते हैं, जो कि साइकिल में रहती है ग्रीस ज्यादातर का, साइकिल बाइक वगैरह, तो वो दाग हम किसकी मदद से निकालते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड. क्लियर है बच्चों? यस मैम. किसी को कोई डाउट?
तो बेटा एक क्वेश्चन आप लोगों के पास और आ जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, मतलब पीएच का क्या क्या रोल है हमारी लाइफ में, रोल बेसिकली पीएच के कम ज्यादा होने पर हमारी रेगुलर लाइफ में, हमारी लाइफ में कहाँ फर्क पड़ सकता है। तो नंबर वन है, कहाँ सबसे ज्यादा रोल है इसका मैम, टूथ डीके एंड स्टमक, यस इन बोल सकते हैं इन डाइजेस्टिव सिस्टम, यस मैम एचसीएल इज प्रेजेंट देयर, वेरी गुड बच्चा, इन डाइजेस्टिव सिस्टम एचसीएल इज प्रोड्यूस इन आवर स्टमक, क्लियर है। और ये क्या करता है, हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, जो ये एसिड हमारी बॉडी में बन रहा है ना बेटा, ये हमें क्या करता है, फूड डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अगर ये नहीं बनेगा या ये ज्यादा बनेगा या कम बनेगा, दोनों ही केस में प्रॉब्लम है, इधर इन लेस और हाई अमाउंट ऑफ HCl फॉर्मेशन इज हार्मफुल और इरिटेशन अकर्स, हार्मफुल होगा या इरिटेट करेगा, तो इसको मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन द इरिटेशन या टू मेंटेन द पेन, टू रिड्यूस द, टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी, यूज एंटा एसिड टू रिमूव पेन, क्लियर हो रही है बात, रिमूव पेन या इरिटेशन हटाने के लिए, पेट में जो थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है या जो भी प्रॉब्लम होती है इनडाइजेशन को लेकर, उसको कम करने के लिए हम इसके पीएच को मेंटेन रखते हैं, टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी मतलब पीएच स्केल, क्लियर है। सेकंड आप बोल सकते हैं टूथ डिके कॉज्ड बाय एसिड, इफ पीएच डिक्रीज बिलो 5.5, द डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट जिसको हम लोग बोलते हैं टूथ इनेमल, हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है टूथ इनेमल स्टार्ट्स, क्लियर है। तो टू मेंटेन अगेन पीएच लेवल, यूज ब्रश टूथपेस्ट ट्वाइस अ डे, बोलते हैं डॉक्टर, यस मैम, क्लियर है, यस मैम। और हम कहां बोल सकते हैं बेटा, तो हमारा पीएच डिस्टर्ब हो जाता है जब हमें आंट स्टिंग करता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है उसे, बस सिर्फ सुन सकते हैं, हमारा पीएच डिस्टर्ब हो जाता है जब चींटी या मधुमक्खी हमें बाइट करती है, इंसेक्ट बाइट बेसिकली, तो क्या होता है, इरिटेशन होती है, तो वहां पर भी यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट वगैरह लगाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब आपके कोई है ना मधुमक्खी या बीज वगैरह इन ऑल बाइट करती है, तो वहां पर हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पेस्ट लगाते हैं, या कोई भी मेडिसिन वगैरह हम यूज करते हैं, तो वहां पर भी पीएच बेसिकली मेंटेन किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं इन एनिमल और इंसेक्ट बाइट में पीएच डिस्टर्ब। तीसरा आप कह सकते हो प्लांट्स में,
तो जो प्लांट्स आपकी अगर उनकी पीएच लेवल कम हो जाता है एक स्टैंडर्ड लेवल से, तो वहां प्लांट ग्रो नहीं करता. तो उसको मेंटेन करने के लिए भी हम उसमें फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं. इज दैट क्लियर? सॉइल का पीएच मेंटेन करने के लिए. सो होपफुली आप लोगों को इतना पॉइंट समझ में आया होगा. आज मैं यहाँ पर ओवर कर रही हूँ. अगली क्लास में बच्चा मैं आप लोगों को बताऊंगी सम इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स ऑफ या इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एसिड एंड बेस. इनसे मिलकर बनने वाले कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड है जिनके नाम मैं आपको आइडिया दे सकती हूँ. वी विल डिस्कस रॉक सॉल्ट. रॉक सॉल्ट का केमिकल नेम हम डिस्कस करेंगे, कहाँ से वो सोर्स हमें मिली है वो देखेंगे, और उसकी कुछ प्रॉपर्टी और यूजेस. सेकेंड सॉल्ट हम लोग देखेंगे वॉशिंग सोडा एंड देन बेकिंग सोडा एंड फिर ब्लीचिंग पाउडर एंड लास्ट वन इज जिप्सम. तो ऑलमोस्ट 4 से 5 सॉल्ट या इम्पोर्टेंट कंपाउंड हमारे बचे. इट हार्डली टेक टाइम मोर देन हाफ एन आवर, उससे ज्यादा नहीं लगेगा. आफ्टर दैट